सीधे आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी लाइव है, नामांकन कर चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछले एक हफ्ते में पूरा हर विधानसभा का प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिला और आम नागरिकों से भी मिला। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं लंबे समय से चुनावों को देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा कि जब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया हो। मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो लोग मोदी 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 कहने लग जाते हैं। मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं कि जैसे ही हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, मोदी जी का नाम सुनते हैं, ऐसी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ और मेरे को बहुत ही, मैं इस बात के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने जितने साथी बैठे इन सबको भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, आखिर देश के अंदर, पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि जहां जाओ जनता ने चुनाव अपने हाथ में नहीं लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोदी जी के 10 साल का शासन और मोदी जी का 22-21 सालों का उनका राजनीतिक जो जीवन रहा है वो इस प्रकार का जीवन है कि लोग खुद ही श्रद्धा से हाथ जोड़ देते हैं। साथियों, पिछले 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जितने काम किए आप देखिए, जितने काम किए और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, ये पहली सरकार है पिछले 70-75 सालों में जिसने अपने घोषणाओं को, सभी घोषणाओं को पूरा किया। आज हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, यहाँ भी बहुत वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे जब हम लोग नारे लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या कभी मंदिर बनेगा? हम लोग सोचते थे क्या हम सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब विपक्ष कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे तो हम लोगों को, हम चुप हो जाते थे कि तारीख क्या होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व था कि आज पूरा राम मंदिर, विशाल राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बनके तैयार हो गया और आज विपक्ष मौन है, आज विपक्ष चुप है। हम नारा लगाते थे कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हम सोचते थे क्या कभी 370 हटेगी? 370 भी हट गई, सीए भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी हट गया और आप सब लोगों को, हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, मोदी जी का हम सब लोग आभारी हैं कि महिला विधेयक भी पास हो गया। इस सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं छोड़ा जो बचा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद क्या, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो लक्ष्य है आगे का, मोदी जी का जो लक्ष्य है उत्तराखंड को लेकर, एक उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड में विकास की गंगा जमुना बहेगी और विकास तेजी से होगा। तो आने वाले आने वाला दशक है उसका कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। साथियों, विकसित भारत होगा, आप और हम सब गवाह होंगे। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज जब ये कांग्रेस के लोग छोड़ के गए थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे तो भारतीय सम्मान के साथ चलते हैं। भारतीयों के लिए आज हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे भारत से आए हो, मोदी जी के देश से आए हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ बैठे हैं, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे विकास के काम कर रहे हैं, आप उत्तराखंड का आदमी जहाँ जाएगा तो बोलेगा उत्तराखंड से आए हो जो तेजी से विकास करता राज्य है। आप पुष्कर सिंह धामी जी के राज्य से आए हो और आप जब आप गढ़वाल के लोग बाहर जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप सब लोगों को बोलेंगे कि आप अनिल बलूनी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं, इस प्रकार का काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, मुझे जब जब काम करने का मौका मिला, जब निशन जी मुख्यमंत्री थे, आज निशन जी हम लोगों के बीच में है, निशन जी ने मुझे मौका दिया, वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं उस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो जल
जो जंगल और जमीन के जितने मामले थे, जितने फॉरेस्ट लॉ के मामले थे, उन सबके लिए मैंने कहा कि किसी प्रकार से लोगों को ढील मिले। आज रामनगर के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कोट द्वार के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है। हमने कहा कि यहाँ पर वन्य जीव पर्यावरण किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और इस हमारे जो वन्य जीव संरक्षण के कारण और वहाँ पर्यटन के कारण आज हमारे हजारों लोगों को जीविका उपार्जन वहाँ पर हो रहा है। तो हम लोगों ने, जब मैं वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति में रहा, उस वक्त मैंने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया विभाग का प्रमुख बनाया और मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया। साथियों, मैं कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उत्तराखंड के भले के लिए मैं नहीं सोचता हूँ, जिस दिन उत्तराखंड के लिए, कल्याण के लिए मैंने ना सोचा हो। आप, मैं लगातार सोचता रहा कि ये जो पौड़ी है, हमारा पौड़ी जो है, इसमें क्या कमी है। देश का कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो पौड़ी के बराबर है? क्या मैं किसी हिल स्टेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसूरी में, नैनीताल में और शिमला में ऐसा क्या है जो इस हमारे पौड़ी में नहीं है? यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा लैंसडाउन है यहाँ पर, आप सब लोगों ने देखा है लैंसडाउन को। लैंसडाउन दिल्ली से सबसे नजदीक अगर कोई हिल स्टेशन है तो वो लैंसडाउन है। क्यों नहीं लैंसडाउन के भी विकास होना चाहिए, वहां पर भी पर्यटन। जो कर्ण आश्रम है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाऊंगा। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इस प्रकार से कर्ण आश्रम में स्मारक बनेगा। मैं आप लोगों के साथ वादा करके जाता हूँ।